हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या जिसका दूसरा नाम है साइंटिफिक फॉर्म। ये क्या होती है? हमारे पास या तो कोई बहुत बड़ा नंबर होता है या फिर कोई बहुत छोटा नंबर होता है, उनको शॉर्ट के अंदर दिखाने का क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है। हम नॉर्मल हमारे नंबर्स को भी दिखा सकते हैं इससे, लेकिन इसकी नीड क्यों है? मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको लिखते 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 पूरा बोर्ड कवर हो जाए, तो उसको बार बार लिखना बहुत मुश्किल है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का नोटेशन लाए। ऐसे एक बहुत छोटा नंबर है 0.00000 और कहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, तो इतने छोटे नंबर को भी दिखाना क्या होता है, ऐसे दिखाना अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ी। तो इसका बेसिकली रूल क्या है वो समझते हैं। इसका रूल है कि अगर कोई भी नंबर एन इंटू 10^n की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ध्यान से समझना, m इंटू 10^n। अब यहाँ पे एक एक नोटेशन का मतलब ध्यान से समझना। यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है, 1 से लगा के, यानी कि 1 से छोटा नहीं, 1 से और लेस देन 10, 1 टू लेस देन 10 का कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं आपसे 0.1, नहीं, 1.0 बिल्कुल 1 के इक्वल, और लेस देन 10 का कोई भी नंबर ले लो आप m की जगह पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, n क्या होता है, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर नंबर रख लो, एनी इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, बिना फ्रैक्शन वाले, ठीक है। और ये 10 तो है, तो इस फॉर्म को जो भी नंबर सेटिस्फाई करेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 299385962, ये नंबर है हमारे पास। अब किसी भी नंबर के अंदर अगर डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है तो वो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट प्लेस पे होता है, ठीक है, और ये लगा दिया हमने जीरो। तो आपको सभी नंबर्स के अंदर डेसिमल को सोचना है। अगर किसी भी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तब तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या सोचना है, लास्ट में लगा हुआ है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर है और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये डेसिमल जो यहाँ पे मैंने सोचा है या जो एक्चुअल में है वो कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे रखूँ तो ये आपका एम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब एम को सेटिस्फाई कहाँ करेगा डेसिमल, यहाँ पे, तो 2.9, ठीक है, 9। और ये पूरा नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई 10^10 कितनी लगानी है अब आपको, तो यहाँ पे 10^ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव कराओगे तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव के अंदर आएगी। तो कितना प्लेस मूव कराया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे 10^8 आ जाएगी। तो इस नंबर का ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे कि कोई बहुत छोटा नंबर लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा 0.23759978, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल अपने को दिख रहा है, तो इस डेसिमल को क्या करना है मुझे, यहाँ पे लेके आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेके आऊँगा तभी मेरा क्या होगा, m सेटिस्फाई होगा, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं होगा। यहाँ पे लेके जाऊँगा 10 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रखूँगा तो ये 1 से छोटा होगा, तो ये डेसिमल यहीं पे रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.0, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो 2.3, और फिर ये नंबर राइट कर सकते हो, ठीक है, इंटू 10^। अब देखो इधर डेसिमल को ले जाते हैं तो पावर कैसी आती है, पॉजिटिव, इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गई, कितना लेके आए, तो यहाँ से मैंने केवल एक प्लेस लेके आया तो -1, तो ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन हो गया। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहली कंडीशन तो क्या है, m को सेटिस्फाई करना है आपको, लेस देन 1 कोई वैल्यू नहीं चलेगी और ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 भी नहीं चलेगा आपका, 9.9999 तक वैल्यू चल जाएगी, 10 नहीं चलेगा, ठीक है, n कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करवाया है तो पावर्स कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड
मूव कौन डेसिमल, तो पावर्स कैसी आएगी हमारे पास, पॉजिटिव पावर्स होगी, पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10। और अगर आपने डेसिमल को राइट साइड मूव करवाया, राइट साइड क्या करवाया, मूव किसको, डेसिमल को, तो हमारे पास पावर्स कैसी आएगी 10 की, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव पावर ऑफ 10। बस ये इतना सा ही है, और यही आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, यूजुअल फॉर्म बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम स्टैंडर्ड को यूजुअल में बदल सकते हैं और यूजुअल को स्टैंडर्ड में बदल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको आपको क्या करना है, करना है और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट या आंसर आपको बताना है। जैसे कि मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2.99387 5432, ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है ये हमारे पास किलोमीटर के अंदर। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है।